हे दोस्तों, आप देख रहे हैं T3 YouTube चैनल और आज हम करने वाले हैं कंपेयर सैमसंग के A7 का सैमसंग ही गैलेक्सी J6 प्लस के साथ। दोनों फ़ोनों में प्राइस का तो काफ़ी डिफरेंस है, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस का प्राइस है 16,000 रुपये के अप्रॉक्सीमेट। ये फ़ोन आपको मिलेगा ड्यूल रियर कैमरा के सेटअप के साथ साथ। और वहीं बात करें सैमसंग के A7 2018 की, ये आपको 22,000 से 23,000 रुपये का ऑफलाइन या ऑनलाइन मार्केट में मिल जाएगा। लेकिन हम इस वीडियो में जानेंगे कि वास्तव में इस जो प्राइस डिफरेंस है उसमें कुछ फ़ायदा होने वाला है भी या नहीं। दोनों फोनों का कंपेयर करेंगे डिजाइन, डिस्प्ले, कैमरा, परफॉर्मेंस और प्राइस कैटेगरी में। साथ ही साथ दोनों फोनों का हम फेस लॉक और फिंगरप्रिंट लॉक भी चेक करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप कीजिए लास्ट तक देखिएगा, कीजिएगा आपके चैनल को सब्सक्राइब, साथ में प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इसी तरह मिलते रहे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहली कैटेगरी, वो है डिजाइन कैटेगरी। तो डिजाइन कैटेगरी में हमारे सामने आता है सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस स्मार्टफोन। इसका वेट है 178 ग्राम का और थिकनेस है 7.9 mm की। फोन बना है प्लास्टिक का लेकिन पीछे से है ग्लास फिनिश के साथ। सैमसंग के A7 2018 की तो इसका वेट है 168 ग्राम का और थिकनेस है 7.5 mm की। हालांकि ये फोन लाइट वेट है लेकिन ये भी ग्लास फिनिश और प्लास्टिक बॉडी के साथ ही हमें मिलता है। क्योंकि ये फोन लाइट वेट है और साथ ही साथ इसका थिकनेस बहुत कम है तो ये फोन डिजाइन कैटेगरी में बाजी मारता हुआ दिखाई देता है। अब बात करते हैं डिस्प्ले कैटेगरी की। सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस के अंदर हमें मिलती है 6 इंच की HD डिस्प्ले IPS पैनल के साथ, साथ ही साथ 18.5:9 एक्सपेक्ट रेशियो के साथ PPI है 274 की। वहीं बात करें सैमसंग A7 2018 की तो यहाँ पे मिलती है 6 इंच की फुल HD डिस्प्ले सुपर एमोलेड स्क्रीन के साथ और PPI है फोन की 441। अगर दोनों डिस्प्ले को आमने सामने रख लेते हैं तो सबसे पहले हम करते हैं दोनों फोनों की ब्राइटनेस का फुल और फिर करते हैं कंपेयर कि किसकी डिस्प्ले ज़्यादा बेटर दिखती है। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों फोनों की डिस्प्ले की ब्राइटनेस को फुल कर दिया है। अब आपके सामने पहले नॉर्मल व्यूइंग एंगल में देखते हैं कि ये किस तरह से दिखता है, अब साइड व्यूइंग एंगल से देखते हैं कि ये किस तरह से दिखता है। तो ओवरऑल देखने में स्पष्ट पता लग रहा है कि सैमसंग का A7 बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें हमें मिलता है कॉर्निंग गोल्डन ग्लास का प्रोटेक्शन, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये राउंडेड है। और वहीं पर अगर सैमसंग गैलेक्सी J6 को देखते हैं तो इसमें एजेस बन रहे हैं, मतलब ये राउंडेड सा नहीं है। जैसे 2.5D कर्व ग्लास होता है इसमें किसी तरह की ग्लास प्रोटेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर भी सैमसंग गैलेक्सी A7 बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कंपेयर कर लेते हैं कैमरा कैटेगरी में। तो कैमरा कैटेगरी में पहले हम जान लेते हैं इसकी कैमरा सेटअप है क्या क्या। तो पहले जानते हैं सैमसंग गैलेक्सी A7 में हमें कैमरा सेटअप क्या मिलता है। तो हमें मिलता है ट्रिपल कैमरा, यहाँ पर 24 MP, 5 MP और 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल के साथ, और फ्रंट कैमरा मिलता है 24 MP का। वहीं बात करें सैमसंग की गैलेक्सी J6 प्लस की तो वहाँ पर हमें मिलता है ड्यूल रियर कैमरा का सेटअप, जो कि है 13+5 MP का ड्यूल रियर कैमरा सेटअप। वहीं बात करें फ्रंट कैमरा की तो यहाँ पर हमें मिलता है 8 MP का फ्रंट कैमरा। चलिए कुछ सैंपल्स मैं आपके सामने रख लेता हूँ। ये नॉर्मल मोड में क्लिक की हुई सेल्फी है, इसमें आप देख सकते हो कि कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर रहा है। उसके बाद ये आपके सामने है बुके इफेक्ट के साथ, तो इसमें भी आपको क्लियरली मेंशन हो रहा है। ये नॉर्मल मोड से रियर कैमरा से खींची गई फ़ोटो है। उसके बाद जो नेक्स्ट फ़ोटो आप देख रहे हैं जो अभी आपके सामने है, ये आपके सामने जो आ रही है ये बुके मोड के साथ क्लिक की गई फ़ोटो है। नेक्स्ट फ़ोटो जो आप देख रहे हो ये आउटडोर में क्लिक की गई पिक्चर है, जिससे आपको पता लगता है कि सैमसंग गैलेक्सी A7 ने काफ़ी अच्छा काम किया है कम्पेयर टू J6 प्लस से। तो दोस्तों इसमें सिर्फ पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, इसमें कुछ इफेक्ट्स भी आपको मिलते हैं कैमरा सेटअप के अंदर, जो कि स्लो मोशन है, AR ऑप्शंस हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी A7 फोन बाजी मारता हुआ दिखाई देता है इस कैटेगरी में। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस कैटेगरी की, करते हैं फोनों के प्रोसेसर की। तो यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस में हमें मिलता है स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, जो कि क्वाड कोर प्रोसेसर है और 28 नैनोमीटर के टेक्निक पर काम करता है। जबकि सैमसंग गैलेक्सी A7 का जो प्रोसेसर है वो है एक्सिनोस का 7885 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि 14 नैनोमीटर के टेक्निक पर काम करता है, जिसके कारण फ़ोन की परफॉर्मेंस तो अच्छी होगी होगी, साथ ही साथ बैटरी की कंजम्पशन भी कम होगी। लेकिन फ़ोन में सुपर एमोलेड की स्क्रीन दी गई है तो हो सकता है आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को ना मिले बैटरी के रूप में, लेकिन ओवरऑल प्रोसेसर तो बैटरी ज़्यादा कंजम्पशन नहीं करने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, वो है प्राइस कैटेगरी के बारे में। तो प्राइस कैटेगरी में हम जानेंगे कि इसमें 6,000 रुपये ज़्यादा देने का बेनिफिट है भी या नहीं, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस हमको मिलता है अप्रॉक्सीमेट 16,000 रुपये का और सैमसंग गैलेक्सी A7 2018 मिलता है हमें 22,000 से 23,000 रुपये का। तो इस 6,000 से 7,000 रुपये ज़्यादा लगाने का हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है? तो आपको J6 प्लस से कंपेयर में बेटर कैमरा मिलेगा, बेटर डिस्प्ले मिलेगी, बेटर प्रोसेसर मिलेगा और साथ ही बेटर डिज़ाइन भी मिलने वाला है। चलिए अब टेस्ट कर लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में, जो कि है फेस लॉक और फिंगरप्रिंट लॉक कैटेगरी। इसमें हम चेक करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A7 का फेस लॉक। जैसा काफ़ी आप देख सकते हैं मैंने पहले ही अनरोल कर रखा है। तो ओवरऑल सैमसंग का फेस लॉक मिड रेंज के स्मार्टफोन्स में मुझे आज तक कभी पसंद नहीं आया, क्योंकि ये 1 से 1.5 सेकेंड लेता है,
और ये 22 से 23 हज़ार रुपये लगाने के बाद भी फेस लॉक में इन्होंने इम्प्रूवमेंट बिल्कुल भी नहीं किया है। और वहीं बात करें सैमसंग गलेक्सी J6 प्लस में, तो इसका फेस लॉक भी एज इट इज है जैसा कि A7 का है। यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा, तो मुझे दोनों फ़ोनों का फेस लॉक अच्छा नहीं लगा। हो सकता है नेक्स्ट अपडेट में इसको सुधार किया जाए। तो हाँ, लेकिन सैमसंग ने फिंगरप्रिंट सेंसर के अंदर काफ़ी सुधार किया है। जैसा कि आप देख सकते हो सैमसंग गलेक्सी J6 प्लस का मैं फिंगरप्रिंट सेंसर यूज़ कर रहा हूँ, तो सिंपली टच करने पर ही बहुत इंस्टेंट काम कर रहा है, ये काफ़ी अच्छी बात है। वहीं बात करें सैमसंग गलेक्सी A7 की, तो ये भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन इसका सॉफ्टवेयर थोड़ा सा स्लो ओपन होता है कंपेयर टू सैमसंग गलेक्सी J6 प्लस के। हो सकता है नेक्स्ट अपडेट में आपको इसका सुधार देखने को मिल सकता है। उन फोनों में से आपको कौन सा फोन पसंद आया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक या डिसलाइक करके अपना फीडबैक दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।